वो अलग बात है कि मेरा नंबर बिल्कुल 6:30-7 बजे आया, बिल्कुल सबके लास्ट में मेरा इंटरव्यू था। इवन दो पैनल थे, पैनल 1 पैनल 2 वाले फ्री भी हो चुके थे और हमारे पैनल वालों का अभी भी इंटरव्यू चल रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको इंटरव्यू वाले दिन कितने टाइम पहले पहुंचना है। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि हमें कितने टाइम पहले पहुंचना चाहिए, क्या हमें एक दिन पहले आना चाहिए। सो ये पूरे का पूरा डाउट आपकी इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सबसे पहले मैंने RRBPU के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करे हुए हैं। आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखना। सेकंड नंबर पे बात करते हैं ड्रेस कोड की, गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन सबसे पहले बिना बोले आपके ड्रेसअप का ही जाएगा। सो आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आई बटन में आपको वीडियो शो हो रही होगी, इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखना। अब बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में कितना टाइम पहले पहुंचना है। ट्रैवलिंग में आपकी हालत खराब नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके ड्रेसअप की हालत खराब नहीं होनी चाहिए कि जब आप इंटरव्यू में वहां पहुंचो बालों की हालत खराब नहीं होनी चाहिए। प्लस आपका ड्रेसअप बहुत मैटर करेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिलवटें पड़ी हुई हो। अब मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था तब मैं किसी रिलेटिव के घर रुकी थी। अपने घर से तो मैं पिछले दिन ही निकल गई थी, मीन्स जैसे कल मेरा इंटरव्यू है तो आज मैं 3 बजे के अराउंड निकल गई थी। नेक्स्ट डे मैंने 9 बजे एग्जिट लिया और 11:30-11 बजे तक पहुंच गई। अब दिक्कत क्या हुई, वहां पे मुझे 2 बसेस चेंज करनी पड़ी। पहली बस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पे खड़े होके जाना पड़ा। खड़े होने का इशू नहीं था, दिक्कत थी कि भीड़ बहुत थी। सो मेरे कपड़ों की हालत बिल्कुल खराब हो गई पहली बस में ही। फिर दूसरी बस मिली, दूसरी बस में तो चलो सिटिंग के लिए था तो मैं बैठ गई, बट तब तक मेरे कपड़ों की हालत खराब हो चुकी थी। 11 बजे तक मैं सेंटर पे पहुंच चुकी थी। इंटरव्यू की एंट्री का टाइम था 1:15। तब तक बाहर बैठे बैठे हालत इतनी खराब हो गई थी क्योंकि अंदर सिर्फ एंट्री उन्हीं स्टूडेंट्स को थी जिनका इंटरव्यू होना था। बाकी जिनके भी पेरेंट्स वगैरह आए हुए थे, चाहे अदर स्टूडेंट जिनकी शिफ्ट बाद में है, उनको भी बाहर ही वेट करना पड़ रहा था। सो उस बीच पहले तो मेरी अपनी हालत खराब हो गई कपड़ों की, उसके बाद 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद 1:15-1:30 बजे हमारी एंट्री हुई। अब जो हमारे वाला बैच था उसमें 20 स्टूडेंट थे और मेरा नंबर उसमें 18 था। अब आप खुद देखो कि पहले जाते ही आपका इंटरव्यू शुरू नहीं हो जाता है। 1:30 बजे अगर एंट्री हुई है तो पहले साइन वगैरह लेते हैं, उसके बाद टर्न बाय टर्न बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद टर्न बाय टर्न बुला के आपके हर एक के डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं। एक बार में 3 या 5 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, फिर वो सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, जो आपकी फोटोकॉपीज होगी, कॉल लेटर वगैरह होगा, सारा जो प्रिंटआउट वगैरह होगा उसको स्टेपलर के साथ पिनअप करके अलग से रखते रहते हैं और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको दे देंगे और वापस आप अपनी चेयर पे बैठ के वेट करोगे। फिर आपके जैसे 5 स्टूडेंट हुए पहले, तो उनके 5 स्टूडेंट्स के वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो आगे उस रूम में जाएंगे जिस रूम में आपका इंटरव्यू होगा। फिर टर्न बाय टर्न वहां पे आपको बुलाया जाएगा एक एक करके। इस तरीके से उनका अलग से चलता रहेगा, एक एक करके वो बुलाते रहेंगे और इधर साथ साथ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट की चेकिंग वगैरह है वो होती रहेगी। ऐसा नहीं कि पहले वो 5 फ्री होंगे, इंटरव्यू होगा, फिर नेक्स्ट 5 का आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपका साथ साथ में डॉक्यूमेंट चेक करते रहेंगे। जब आप एग्जिट लेते हो तब आपकी फिर से बायोमेट्रिक होती है। ऐसा नहीं करना है कि इंटरव्यू देके फटाफट निकलने की कोशिश करना, बायोमेट्रिक करवाते हुए जाना। सो ये तो हो गया मेरा अपना, मैंने खुद का एक्सपीरियंस बताया जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया था कि मैं एक दिन पहले ही पहुंच गई थी। नेक्स्ट डे मेरा सेम पिछली बार की तरह वही टाइम इवनिंग शिफ्ट थी, मीन्स हमारी एंट्री वही 1:30 बजे के आसपास हुई, मैंने एग्जिट ही 1 बजे लिया। मैं रेडी हुई 12 बजे के आसपास और मैंने रूम से ही एग्जिट लिया 1 बजे के आसपास और 1/2 घंटे के बाद हमारी एंट्री हो गई। इस बार क्या था, हमारे बैच में 25 स्टूडेंट्स थे और मेरा 25th नंबर था। तो आप खुद देख लो, उस हिसाब से रेडी रहना। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और मैं जल्दी निकल जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं पता आपके बैच में कितने बच्चे होंगे और आपका कौन सा नंबर होगा, सो प्लीज बी रेडी। और इसके साथ ही अब इस बार मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मैं बिल्कुल थकी हुई नहीं थी, ट्रैवलिंग में मेरी हालत खराब नहीं हुई, इसके साथ ही मैंने ट्रैवल नहीं किया तो मेरे कपड़ों पे किसी भी तरीके की सिलवटें नहीं पड़ी हुई थी, मैं माइंड से बिल्कुल रिलैक्स थी। वो अलग बात है कि मेरा नंबर बिल्कुल 6:30-7 बजे आया, बिल्कुल सबके लास्ट में मेरा इंटरव्यू था। इवन
दो पैनल थे, पैनल वन, पैनल टू। पैनल टू वाले फ्री भी हो चुके थे और हमारे पैनल वालों का अभी भी इंटरव्यू चल रहा था। सो उस हिसाब से आप में एनर्जी भी बची होनी चाहिए कि सबसे लास्ट में इंटरव्यू दे रहे हो। आपको इंटरव्यू तो वैसे ही देना है जैसे फर्स्ट नंबर वाले स्टूडेंट ने दिया होगा, बिल्कुल एनर्जी से, अच्छे से, स्माइलिंग फेस से, ऐसा नहीं कि डल, लेजी, थक चुके हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब बात करते हैं आपकी, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, अगर आपका ट्रैवलिंग का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 5-6 घंटों का है, तो आप खुद देख लो ट्रैवलिंग में आपकी हालत क्या हो जाएगी, चाहे हिली एरिया हो चाहे प्लेन एरिया हो। ये आपकी लास्ट स्टेज है, सो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से अपना 100% देना है। सो कोशिश करना कि आप एक दिन पहले चले जाओ। कईयों का ऐसा था कि मॉर्निंग शिफ्ट थी, सो उनकी एंट्री 8 या 9 बजे के आसपास हो रही थी। अब आप बताओ, अगर 8-9 बजे एंट्री है, 3-4 घंटे का रास्ता है, तो क्या आप सुबह के 2 या 3 बजे निकलोगे? क्योंकि आपको नहीं पता ना बस कब तक पहुँच जाएगी, किस स्पीड में चलेगी। सो आप खुद सोचो, सुबह ही आप अपनी नींद खराब कर रहे हो, ट्रैवल करके आ रहे हो, देन आफ्टर दैट इंटरव्यू दे रहे हो। कुल मिला के मेरे कहने का यही मतलब है, सुबह की शिफ्ट है तब भी एक दिन पहले आ जाओ, अगर आपकी शाम की शिफ्ट है तब भी आप एक दिन पहले आ जाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रैवलिंग में हालत ख़राब हो जाएगी तो आप एक दिन पहले आ सकते हो। हमारे साथ के जितने भी थे, मैंने जिनसे भी पूछा, सभी ने स्टे करा हुआ था, सेम होटल में नहीं, आसपास सभी रुके हुए थे कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से, जिस रेंज में उनको अफोर्डेबल लग रहा था। सस्ता सा रूम लेकर रुक जाना 500-600, बट इतना है कि आप रिलैक्स कर लोगे आराम से और सुबह फ्रेश माइंड से उठोगे, चाहे आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट हो चाहे इवनिंग की शिफ्ट हो। बाकी मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ कि आप एक दिन पहले आओ। हाँ, किसी का हो सकता है 1 घंटे का सिर्फ रास्ता है, 1/2 घंटे का सेंटर तक का रास्ता है, तो बेशक आप घर से आ सकते हो। अब मेरे घर से सेंटर तक के रास्ते में 6-7 घंटे का ट्रैवलिंग डिस्टेंस था, सो ये इतना इजी नहीं था कि ट्रैवल करने के बाद मैं वहाँ पे अच्छे से अपना इंटरव्यू दे सकूँ। सो हम पहले पहुँच गए थे। अगर आप दूर से आ रहे हो तब तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ पहले आ जाओ। अब लास्ट में भी आपका अपना डिसीजन है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा है तो अब एक दिन पहले पहुँच जाओ। मैंने अपने दोनों टाइम का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि मेरे साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बाकी आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो, आप चाहे एक दिन पहले आओ चाहे उसी दिन आओ, आप पे डिपेंड है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी अगर किसी का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।